हे वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट जैसे वेज मंचूरियन ग्रेवी। चलो फिर देखते हैं वेज मंचूरियन ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है। यहाँ पे हमने बारीक कटे हुए सब्जियाँ ली हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, काली मिर्च पाउडर, विनेगर, तेल, टोमेटो सॉस। बारीक कटा हुआ हमने हरी मिर्च, अदरक एंड लहसुन को लिया है। मैदा, यहाँ पे हमने प्याज और शिमला मिर्च को बड़े साइज में कट किया है। कॉर्नफ्लावर, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, नमक एंड पानी। चलो फिर शुरुआत करते हैं बनाने के लिए। पहले हम बनाएंगे मंचूरियन। मंचूरियन बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, शिमला मिर्च एंड गाजर। पहले हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। भी हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर, कॉर्नफ्लावर, मैदा। मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और दो बड़े चम्मच मैदा यूज किया है, और हमें जितना रिक्वायर्ड है उसी तरह से हम कॉर्नफ्लावर और मैदे को ऐड करते जाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। हम सब्जियों में कॉर्नफ्लावर और मैदा ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ करेंगे। इसी तरह से मंचूरियन बनाने के लिए हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है। मंचूरियन बनाने के लिए हम तेल को गरम करेंगे, और पहले हम चेक करेंगे तेल अच्छे से गरम हुआ है क्या। तेल अच्छे से गरम होने के बाद ही हम मंचूरियन को फ्राई करेंगे, और हमें गोल्डन ब्राउन होने तक मंचूरियन को फ्राई करना है। इसी तरह से छोटे छोटे बॉल्स को हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं मंचूरियंस अच्छे से गोल्डन ब्राउन हुए हैं, तो इसी तरह से हमें सारे मंचूरियन अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करने हैं। अभी हमारे सारे मंचूरियंस रेडी हो चुके हैं। अभी हम बनाते हैं ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून तेल लिया है। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च, अदरक एंड लहसुन। अभी हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च एंड प्याज को, और हल्का सा सॉटे करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक को हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम सॉस यूज़ करेंगे उसमें ऑलरेडी नमक होता है।
और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर हम ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड की है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और सारे सॉस को हम ऐड करते जाएंगे। पहले हमने ऐड किया है रेड चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो केचप, विनेगर। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, 2 बड़े चम्मच सोया सॉस और 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस और 1 छोटा चम्मच विनेगर ऐड किया है। अब हम सारे सॉस को अच्छे से मिक्स करेंगे और बॉईल होने तक रखेंगे। ग्रेवी को ठीक बनाने के लिए हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमने जो कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बनाया था वो हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम कॉर्नफ्लोर का पेस्ट मिक्स करेंगे वैसे वैसे हमारी जो ग्रेवी है वो थिक बनती जाएगी। हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे हमारी ग्रेवी बॉईल हो जाएंगी हम इसमें ऐड करेंगे मंचूरियंस और अच्छे से मिक्स करेंगे। दो या 3 मिनट के लिए ही हमें मिक्स करना है। इसी तरह से हमारी रेडी हो चुकी है रेस्टोरेंट जैसी वेज मंचूरियन ग्रेवी, तो आप जरूर ट्राई कीजिए। I hope you all like this video. Please like, share and subscribe.